तो हाउ टू सेटअप योर क्रिप्टो माइनिंग मशीन, ये वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं। हमारे पास जो है एग्जांपल के लिए 120 टेराहैश है, S19j Pro प्लस 120 टेराहैश। आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास जो मशीन है उसके बॉक्स में केबल्स नहीं आते, तो आप इस तरीके के ये जो पावर केबल होता है, ऐसे आपको दो पावर केबल लेना है क्योंकि आपके बॉक्स में इंक्लूडेड नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि बिटमेन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है मशीन शिप करता है, हर कंट्री के जो है अलग अलग टाइप के सॉकेट्स होते हैं, इसलिए बॉक्स में जो है केबल इंक्लूडेड नहीं होते। तो आपको दो केबल लेना है, 16 एम्पेयर के लेना, याद रखना। और सिंपल है, एक केबल यहाँ जाएगा, एक केबल यहाँ जाएगा। पावर केबल के अलावा आपके पास एक और केबल होना चाहिए जो इथरनेट केबल होता है, जैसे कि ये है। आप इसमें CAT5 CAT6 कोई भी लगा सकते हो। इसके थ्रू जो है आपकी मशीन को इंटरनेट मिलता है, जो यहां पर जाएगा कुछ इस तरीके से। दैट्स इट, आपकी मशीन जो है ऑन होने के लिए रेडी है। मैं इसको भी ऑन करके दिखाता हूँ। इसके सारे केबल जो है कनेक्ट हो चुके हैं, 1 2 3। अभी मैं इसे ऑन करके बताता हूँ। ये इसकी लाइट से इससे पता चलता है कि इसके अंदर इंटरनेट आ रहा है। जैसे ही आप मशीन ऑन करोगे, मशीन के लाइट्स ऑन हो जाएंगे, और सारे लाइट ऑन हो गए इसका मतलब मशीन जो है अब स्टार्ट हो चुकी है। एक बार आप मशीन को स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद यहाँ पर एक बटन होता है IP रिपोर्ट जिसे बोलते हैं, आपको उसको 5 सेकेंड के लिए दबाना है। 5 सेकेंड दबाने के बाद मशीन जो है अपना IP ले लेती है, फिर आप उसे अपने PC में एक्सेस कर सकते हो। तो मैं आपको दबाकर दिखाता हूँ। फिजिकल सेटअप का काम यहाँ पर हो गया है। आपको बस 3 केबल लगाना है, बटन ऑन करना है और IP रिपोर्ट दबा देना है। इसके आगे का जो सेटअप का काम है वो आपके PC पर होगा, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो सबसे पहले आपको नेटवर्क फाइंड करना होगा। आप कौन से आपके जो राउटर है, राउटर का IP एड्रेस, उससे आप फाइंड करोगे कि आपकी मशीन कौन से IP एड्रेस पर कनेक्टेड है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको राउटर में लॉग इन करना पड़ेगा। तो यूजुअली लॉग इन IP जो होता है वो आपके राउटर के पीछे होता है। तो मैं आपको, जैसे ये हमारा राउटर है, इस पर आप लॉगिन करोगे और ये एक DHCP करके एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको DHCP क्लाइंट लिस्ट। तो इस क्लाइंट लिस्ट में ये होता है कि जो जो डिवाइस कनेक्टेड है आपके नेटवर्क पे वो सबकी लिस्ट आ जाती है। तो जैसे मैं आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये एंट माइनर आ चुका है। अब ये एंट माइनर का IP एड्रेस जो है ये है, इसको आप कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो। कोई भी मशीन हो बिटमेन की स्पेसिफिकली, उसका एक कॉमन पासवर्ड होता है IP एड्रेस एक्सेस करने के बाद, root, ROOT, ROOT। आप वो डालो, आपको मशीन का पूरा डैशबोर्ड मिल जाएगा। अब इसमें आपका रियल टाइम हैश रेट, नेटवर्क स्टेटस, टेम्परेचर, बिल्कुल सभी। अभी इस टाइम पे नेटवर्क स्टेटस अबनॉर्मल है बिकॉज आपने पूल सेटअप नहीं किया है इसके अंदर। यहाँ पे आपको पूल सेटअप करना होगा और फिर आपकी मशीन एक तरीके से पूल पर कनेक्ट हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी पूल कैसे सेटअप करना है। सो आपको सबसे पहले सेटिंग्स में आना है। यहाँ पे सेटिंग्स में आने के बाद Pool 1, Pool 2, Pool 3। अब आप डिसाइड करो कि आपको कौन से पूल में माइन करना है। बहुत सारे पूल है, YRBTC है, F2 है, Pooling है। आज जैसे मैं अभी ये मशीन को YRBTC पे ऐड करूँगा। सो ये पूल है क्या? ये एक तरीके से एक स्ट्रैटम सर्वर है जो मशीन आपकी कनेक्ट करती है माइनिंग के लिए। जैसे हम इथेरियम में ईच पे करते थे, इस पे BTC में हम स्पेसिफिकली एक कंपनी प्रोवाइडर के स्टार्टअप सर्वर पे कनेक्ट करेंगे। वो आप कोई भी पूल की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे YRBTC पे आप YRBTC की वेबसाइट खोलोगे, उसके नीचे BTC माइनिंग गाइड करके ऑप्शन है। वो ऑप्शन पे जाने के बाद आपको माइनिंग सेटअप कॉन्फिगर स्टार्टअप URL, ये बिटकॉइन के माइनिंग URL है, ये 3 URL आपको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करना है आपके एंट माइनर पे, Pool 1, ये Pool 2, Pool 3। सो ये जो माइनर नेम है, ये आपने जब आप F2 पूल या फिर YRBTC पे आपने साइन अप किया होगा, सो आपका यूजर नेम और ID पासवर्ड बना होगा। आपको एग्जैक्ट सेम यूजर नेम डालना है और डॉट करके मशीन का नाम डालना है। मैं ये दिखाता हूँ आपको, जैसे हमारा दिया डॉट 001, मैंने मशीन का नाम 001 रखा हुआ है इसका। आप ये तीनों पूल पे एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्ट कर दोगे। रही बात पासवर्ड की, ऑप्शनल है आपके ऊपर, आपको पासवर्ड रखना रखिए, मत रखना मत रखिए, XX आप ला के छोड़ सकते हो।
दैट्स इट, आपका ये पूरा सेटिंग का पेज सेटअप हो गया है, सेव करना है और वेट करना है मशीन को रिकॉन्फिगर होने के लिए। अब जैसे कि मशीन यहाँ पर इसने ओके का सेटअप दे दिया हमको, मशीन सेटअप हो गई है। अब यहाँ पे मेरे आपके जो पहले माइनिंग एड्रेस आ रहे थे नहीं आ रहे थे वो अब यहाँ पे दिखाने लगा है आपको, आपके स्टेटस सारे यहाँ दिखाने लगे हैं आपके। अब यहाँ पे नेटवर्क स्टेटस जो एबनॉर्मल था वो नॉर्मल हो गया। सो एक तरीके से अब मशीन प्रिपेयर कर रही है अपने आप को कनेक्ट करने के लिए, रिस्टार्ट हो रही है एंड विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स आपकी मशीन आपको माइन करते हुए दिखेगी। सो मशीन सबसे पहले चिप्स रीड करती है, 120 तीनों हैशबोर्ड की चिप्स है। इसके बाद ये थ्योरेटिकल हैश रेट और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करती है। अभी जैसे यहाँ पे कभी कभार दिखाएगा कि एबनॉर्मल है, ये एक पूल एबनॉर्मल दिखा रहा है, वो 24 आवर बाद ऑटोमेटिकली सही हो जाता है क्योंकि मशीन आपकी सबसे पहले जो प्रायोरिटी पे लेती है वो फर्स्ट वाला पूल लेती है जो कि नॉर्मल है। अगर ये पूल बंद होता है तो वो सेकेंड प्रायोरिटी पे आती है और फिर थर्ड। यूजली लोग एक ही पूल डालते हैं, तीन डालते भी नहीं है, बट ठीक है आपने डाल दिया कोई इशू की बात नहीं रहेगी और एबनॉर्मल आया भी तो भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अब जैसे मशीन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रीड कर चुकी है 625 625 625, अब थ्योरेटिकल हैश रेट भी ले लिया उसने, तो अब मशीन जो है हैश करना शुरू करेगी। जो रियल टाइम हैश रेट है वो अब यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा आपको। गाइस अभी मशीन सेट हो गई है, आप रिफ्रेश कर सकते हो बार बार चेक करने के लिए। जो करंट मशीन 123 टेराहर्ट्ज़ पे चल रही है, ठीक है, और यहाँ पे आपको लाइव टेम्परेचर दिखेगा 64 66, जो भी आपके रूम टेम्परेचर और मशीन का टेम्परेचर रहेगा। आपको इनलेट टेम्परेचर पे इतना ध्यान नहीं देना है, आपको आउटलेट के टेम्परेचर पे ध्यान देना है। बाकी मशीन के सारा कंट्रोल और स्टेटस यहाँ पे है, इसके अलावा और कुछ मशीन में करना है ही नहीं, इट्स वेरी सिंपल टू बी ऑनेस्ट। सो ये बेसिकली कोई भी मशीन का सेटअप आप कर सकते हो इस तरीके से, यही फॉर्मेट होता है बिटमेन की मशीन्स का। सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे रियल टाइम हैश रेट नॉर्मल हो गया है, नेटवर्क स्टेटस नॉर्मल हो गया है, फैन स्पीड नॉर्मल हो गई है, माइनर टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है और मशीन लगभग 120 टेराहर्ट्ज़ के आसपास माइन भी कर रही है, सब चीज़ नॉर्मल है। सो ये एक साइन है कि आपकी मशीन स्टेबल और नॉर्मली रन कर रही है, आई मीन और दैट्स इट, योर मशीन इज रेडी टू गो, वो माइन करना शुरू कर चुकी है।